बग्गी नंबर बता, बग्गी नंबर बता, 1 2 3 4 5 ओह डिस्कॉर्ड पे जल्दी 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 ये तू है रेबल कुत्ता आई टाइम नहीं जाने दिया भाई ओह माय गॉड रेबल से ही मर गया मैं मर रहा हूँ मैं लीव कर रहा हूँ अबे लीव कर भाई ये क्या आ गया लिन डीटी क्रिएशन नींबू की चॉकलेट नींबू निकलेगा साला अंदर नींबू का टेस्ट और चॉकलेट का टेस्ट खट्टा चॉकलेट कौन खाता भाई नॉर्मल था बस चॉकलेट था और क्या नींबू का टेस्ट है बीच में नींबू ही था नींबू तो 10 out of 10 था और चॉकलेट Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Sun rays and I... बात करते हैं असैसिन से क्या सीन है और हो जाएगा अगर हो गया तो भाई रिकवर हो जाएगा उसका इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ा है भाई बात करते हैं भाई तो ये बता तेरे को कोरोना कोरोना हो गया क्या ऐसे चैट में मेरे को बोला जा रहा है तो मैं उसको भरोसा करूँ या फिर उनको गालियां दूँ अच्छा हो गया क्या ऐसे कैसे हो गया क्या सीन हुआ अरे किसको हो गया असैसिन को कोई सिम्टम नहीं है भैंस की डेट फिर पॉजिटिव कैसे आ गया अच्छा मतलब ऐसे सुन नहीं नहीं मैं समझ गया तू मतलब तू तेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है लेकिन फिर भी तेरे को हो रखा है लेकिन सिम्टम नहीं है ऐसा सीन होगा शायद ओ बाय गन फाइट हां हेल्दी है बिल्कुल बेशक हो गया वैसे लेकिन ये कतई हेल्दी है कोई भी टी नहीं भाई को चल ठीक है ओके मिलते हैं क्या हो गया तबीयत ठीक नहीं है क्या तेरी ठीक है पहले से हाँ अरे बंदे बोल रहे थे कॉल में मैंने बोला क्या हो गया स्ट्रीम भी नहीं किया क्या आज नहीं 4 दिन से नहीं किया क्या हुआ तबीयत ठीक नहीं है क्या हाँ अब ठीक है हाँ पहले से ठीक है ठीक होने लगेंगे ठीक हो जाऊँगा टेक केयर इसके ऊपर ओपिनियन दे दूँ मैं ओएस के ऊपर तो बहुत हार्डवर्किंग बंदा है गेम को लेकर और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है एंड अभी आपने देखा बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस कर रहे हैं लास्ट कुछ टाइम से 2-3 टूर्नामेंट शायद अभी PMIS में भी अच्छे खेले वो एक इन्विटेशनल था उसमें भी वो जीते थे और अच्छा मतलब फाइट गन फाइट वगैरह और उसमें से फ्रेंकी और ओएस काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं वो दोनों और वो मैक्स कैश भी भाई बहुत तगड़ा प्लेयर खतरनाक मज़ा आ गया देख के उसका गेम शाउट आउट कुछ बोला हाँ यार मावी का बहुत मतलब समझ लो कि उसे गले से खून निकल रहा है कसम से मजाक नहीं कर रहा हूँ उसने कुछ गलत मतलब समझ लो कि गलत मेडिसिन ले लिया होगा मतलब बोल बात ही नहीं कर पा रहे हैं वो ऐसा एकदम मतलब बोलते ना कि समझ लो कि उसकी कैसे बता बात ही नहीं कर पा रहा यार उसका ऐसा है
नॉन वेट नॉन माफी हो जाएगा ठीक। मैं सही है, मजाक नहीं कर रहा हूँ सीरियसली। उसको उसको मैंने बोल दिया कि भाई तू एक वीक रेस्ट ले ले भाई पूरा। मुझे बोलो कल PMIS में प्लेयर चेंज नहीं करते थे तो मावी को मैं तो खुद सजेस्ट किया कि भाई तू एक वीक पूरा रेस्ट ले ले वर्ल्ड लीग से पहले, एटलीस्ट रिकवर तो हो जाएगा। अरे चिल्ले डॉक्टर सौरभ भाई एकदम चिल्ले। You are the IGL for the team, right? तो एक IGL ऐसी टीम को कैसे संभालता है जो दुनिया में डोमिनेट ही करती रहती है? तो मतलब क्या थॉट प्रोसेस रहता है आपका इस टीम के साथ जब आप यू नो किसी भी मैप में उतरते हैं? सो बेसिकली जब वी प्ले अ गेम तो अपनी टीम ऐसी है कि अगर ज्यादा देर तक होल्ड करते हैं कहीं पर या फिर ज्यादा फाइट नहीं लेते तो बहुत मतलब अपने बंदे ठंडे से हो जाते हैं और वैसे ही माइंडसेट रहता है पूरे गेम में। तो ट्राई ऐसा रहता है कि जो सेंटर ऑफ द जोन में बंदे रहते हैं उनको उनसे फाइट एंगेज करें, सेंटर ऑफ द जोन बाहर कहीं नहीं जी, उनसे फाइट ले और गेम पे अपना मेंटालिटी जो रहेगा वो थोड़ा अग्रेसिव रखें काफी से। एंड जोनाथन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, वो ये है कि आप थंब पर खेलते हैं एंड सब लोग ये बोलते हैं यू आर लाइक वन ऑफ द फाइनेस्ट वन ऑफ द बेस्ट असॉल्टर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ व्हिच द वर्ल्ड हैज एवर सीन एंड व्हिच इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। और उसके साथ एक चीज आएगी वो 1v4 जो आपने किया था ब्रिज के ऊपर, सबसे फेमस जो PMIS के लिए बन चुका है, जो PMIS की जान बन चुका है। क्या चीजें रहती है आपके माइंड में जब आप प्रॉपर यू नो फाइट्स ले रहे होते हो? वैसे तो कुछ नहीं है दिमाग में, कौन है वो सब, जो भी दिखता है भाई सबको मार दो और कुछ जो भी दिखता है सबको टपा टप। अब रहती है जब आपका पूरा का पूरा मैच चल रहा होता, बिकॉज हमने देखा जो क्वार्टर फाइनल चल रहे थे उसमें सैनॉक का मैप, वहां पर जोन को आपने अच्छे तरीके से होल्ड किया, उसके बाद जो फाइनल मैप तक आप जा रहे थे धीरे धीरे स्किल्स बेहतरीन तरीके से कर रहे, तो कॉल्स क्या जा रही थी टीम में? मेरा काम था कि मैं इनको एंड जोन तक लेके जाऊँ और इनको मैं इतना बोल रहा था कि तुमको बस कैम करना है, किल मैं निकाल दूंगा टीम के लिए बस। स्काउट मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, इससे पहले आप किसी और टीम में थे बट आपकी और दिलजीत की सिनर्जी बहुत टाइम पहले से बनकर बैठी हुई है, तो उन सब चीजों को वापस से जब आपने उठाया और यहाँ पर आप ऑरेंज रॉक में, तो क्या आपको कुछ डिफरेंसेस देखने को मिले हैं टीम गेम प्ले में, सिनर्जीज में, या फिर आपके लिए एक अच्छे तरीके से सिनर्जी बैठी है? डिफरेंसेस तो हाँ बहुत है, जैसे कि स्किल सेट बहुत लोग इंक्रीज है और दिलजीत अब आईजीएल बन चुका है, जहाँ पे मैं पहले इसको आईजीएलिंग करता था, अब दिलजीत बहुत कुछ नया चीज सीख चुका है, दिलजीत बहुत इवॉल्व प्लेयर है, तो हाँ यस दलजीत की आज लीग में खेलने में बहुत मजा आ रहा है और उससे बहुत कुछ सीखने को। तो टीम में जैसे तीन यू नो काफी सवाल आपसे हुए, जैसे आपने बोला कि आप स्नाइपर का रोल अदा कर रहे हैं, तो स्नाइपिंग करते हो आप, इस ये रोल आपके लिए नया एक तरीके से, बिकॉज हमने स्काउट का अगर हम नाम ले तो आता है M4 और 6 टाइम्स का स्प्रे जो प्रॉपर एक तरीके से होता है, तो उसके बाद अब स्नाइपर के अंदर आप अपने लिए क्या ट्रेनिंग और क्या प्रैक्टिसेस करते हैं? बाकी लोग को देखते हुए सीखा हूं, दलजीत स्नाइपर जो था पहले आप असल्टिंग पर आ चुका है, तो बस वही उसकी जो स्किल्स थी वो उसको देख देख के अपने आप में इम्यूलेट करने की ट्राई करता हूँ, और हाँ अभी काफी अच्छी चल रही है स्नैपिंग, बस वही अपने से बेटर प्लेयर से सीखो। चाहूंगा इससे पहले आप किसी और टीम में थे बट आपकी और दलजीत की सिनर्जी बहुत टाइम पहले से बनकर बैठी हुई है, तो उन सब चीजों को वापस से जब आपने उठाया और यहाँ पर आप ऑरेंज रॉक में, तो क्या आपको कुछ डिफरेंसेस देखने को मिले हैं टीम गेम प्ले में, सिनर्जीज में, या फिर आपके लिए एक अच्छे तरीके से सिनर्जी बैठी है? डिफरेंसेस तो हाँ बहुत है, जैसे कि स्किल सेट बहुत लोग इंक्रीज है, दलजीत अब आईजीएल बन चुका है, जहाँ पे मैं पहले इसको आईजीएलिंग करता था, अब दलजीत बहुत कुछ नया चीज सीख चुका है, दलजीत बहुत इवॉल्व प्लेयर है, तो हाँ यस दलजीत की आज लीग में खेलने में बहुत मजा आ रहा है और उससे बहुत कुछ सीखने को। तो टीम में जैसे आखिरी 7 टीम हमारी स्क्रीन में, जिसमें के अब 6 हो चुके हैं यहाँ पे, अब लाइव क्राउड का स्क्वाड भी एलिमिनेट हो चुका है, जहाँ पे ऑरेंज रॉक के स्काउट ओपी का ग्रेनेड आ गया है, यहाँ पे जोनाथन वहां पे फटिंग उस ग्रेनेड के साथ, बट यहाँ पे स्काउट भी फटेंगे, ग्रेनेड यहाँ पे एक्सचेंज हो रहे हैं दोनों टीमों के द्वारा, बट उसी के चलते न्यू का एक और नॉकडाउन देख रहे हैं, बट स्काउट जोनाथन को पूरा फिनिश करेंगे, वही जो ग्रेनेड था, बट यहाँ पे क्लच गॉड ही इज बेली सर्वाइविंग ऑन दैट 1 HP, इजी गॉड को यहाँ पे पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी, बट यहाँ पे स्काउट ब्लीड आउट होते हुए नजर आएंगे, दलजीत यहाँ पे नॉकडाउन हो चुके प्ले जोन से, VST का स्क्वाड यहाँ पे एलिमिनेट होगा टॉप 5 में, बट ऑरेंज रॉक के गिल एक ऐसे प्लेयर बचे हैं यहाँ पे जो अपनी टीम को आगे ले जा पाएंगे, बट यहाँ पे दलजीत कार्डोन से कोई रिवाइवल मिल सकता है, बिकॉज अगर वहां पे गए क्राउच की पोजीशन वहां पे अगर बैठे तो दलजीत को स्पॉट करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा TSM 82, बिकॉज अब यहाँ पे उनके तीनों प्लेयर खड़े हैं,
फर्स्ट एड पॉप इन करते हैं क्लच गॉड के एंड वो लोग हन डाउन करेंगे एटलीस्ट अपना लेफ्ट हैंड साइड कवर करेंगे एंड उसके चलते यहां पे दिलजीत पूरा फिनिश हो चुके हैं। ग्रेनेड यहां पे फेंके जा रहे हैं, उनको पता है एक आखिरी प्लेयर अभी भी जिंदा है। जी हां, आखिरी प्लेयर यहां पे ऑरेंज रॉक की तरफ से बचे जो कि गिल है, बट एक ऑफ पोजीशन में वो मौजूद है जिसकी वजह से अभी भी सर्वाइव कर रहे और नेड्स वहां पे कनेक्ट नहीं कर पा रहे इनके साथ जो कि टीएसएम एंटिटी इनके ऊपर बार-बार फेंके जा रही है। अब बात करें तो चार टीम्स, आठ प्लेयर्स बचे जिसमें फनेटिक है, टीम तमिलास है, ऑरेंज रॉक और टीएसएम एंटिटी जिनके पास एक अच्छी पोजीशन है। जैसे हम कह रहे थे सर्कल ने इनको काफी ज्यादा फेवर किया, उसके अलावा टीम ने भी काफी बेहतरीन तरीके से फाइट यहां पे निकाली। 9 किल्स ऑलरेडी अपने लिए कंफर्म कर चुके हैं। जोनाथन एक लौते प्लेयर है टीएसएम की तरफ से जो थोड़ा जल्दी एलिमिनेट हो गए, बाकी ये तीन प्लेयर्स अभी भी फाइट कर रहे हैं और देखना ही होगा कि चिकन डिनर किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं टीम तमिलास के एक ही प्लेयर बचे हैं मिस्टर स्प्रे। ऑरेंज रॉक के वहां पे गिल मौजूद है, फनेटिक की 3-man स्क्वाड बची है ओवेस, फ्रैंकी और मैक्स कैश की, बट उनके लिए प्रॉब्लम यही है कि फनेटिक को अभी भी सर्कल के अंदर मूव इन करना है। बिल्कुल, बट एक चीज यहाँ पे तीन प्लेयर यहाँ पे फनेटिक के बचा वो लोग भी क्लोजिंग करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा प्री फायर देखने को मिल रहा है सारे टीएसएम के प्लेयर्स के अंदर, बिकॉज यहाँ पे अगर आप ऊपर से देखो दिस इज आई थिंक ब्यूटीफुल फाइनल जोन जिस तरीके से यहाँ पे स्मोक के यहाँ पे यूटिलाइजेशन देख रहे हो, बट यहाँ पे टीम तमिलास का प्लेयर यहाँ पे एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा बिकॉज ओवेस का एक ग्रेनेड आएगा, बट यहाँ पे ऑरेंज रॉक के गिल्स क्लच गॉड को नॉक डाउन कर चुके हैं, बट सामने से ट्रेड फायर आएंगे। अब क्या क्लच गॉड को बचाया जाएगा, ब्लीड आउट होता नजर आएगा बिकॉज जोन भी यहाँ पे क्लोजिंग कर रहा है। नियो एंड जी गॉड को वहां पे गिव अप करना पड़ेगा एंड ही हैव टू मूव इन साइड द जोन। टीएसएम वर्सेस टीम फनेटिक, फाइनल सर्कल 2-3 का सिचुएशन यहाँ पे। टीएसएम के पास 10 किल है, फनेटिक के पास 5, क्या फनेटिक वो 5 को 7 कर पाएगी, क्या टीएसएम उस 10 किल को एक 13 किल चिकन डिनर के साथ एंड कर पाएगी वाला मैच आपकी स्क्रीन में थोड़ी देर में हमको पता है, बिकॉज प्रोनिंग वाला सर्कल है, स्नेक्स यहाँ पे सारे के सारे प्लेयर्स बने होंगे। जी हाँ, ओपन एरिया में यहाँ पे फाइनल फाइट होती हुई हमको नजर आ रही है, फनेटिक वर्सेस टीएसएम, नेट बहुत पास जाता हुआ, जी गॉड की हेल्थ बहुत ज्यादा कम, नियो भी 50% एचपी पे आ चुके हैं, अगर एक और वैसा ही नेट फनेटिक की तरफ से आता है तो टीएसएम हमें नेट्स के साथ ही यहाँ पे फिनिश ऑफ होती हुई नजर आएगी। बट अब हीलिंग का टाइम होगा टीएसएम के प्लेयर्स के लिए, इनको जल्दी से हील अप करके अपनी हेल्थ जो है वापस लानी होगी। जी गॉड एक्जैक्टली वही करते हुए, नियो भी वापस 75% एचपी पे आ चुके हैं और अब प्रोनिंग जैसा बोला था केतन ने, प्रोनिंग का सर्कल देखना ये होगा कि कौन यहाँ पे ज्यादा पेशेंट्स रहने वाले, जिस प्लेयर ने जिस टीम ने पहले पेशेंट्स लूज करी वहां पे वो भी नॉक होते हुए नजर आ जाएंगे। एंड यहाँ पे एक जो ग्रेनेड आता हुआ जी गॉड का वहां पे फनेटिक ओवेस नॉक डाउन होगा, बट एक सामने से और ग्रेनेड आता हुआ पीछे से टीम फनेटिक अभी भी हार नहीं मान रही है, ओवेस को यहाँ पे रिवाइवल जरूरी है, बट यहाँ पे जी गॉड वापस से उठ के ग्रेनेड फेंकने की कोशिश कर, बट यहाँ पे क्या इनके पास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इनके हाथ में गन नहीं है, यहाँ पे सारे ग्रेनेड्स हैं इनके पास। अब ये फाइट क्या उन्होंने वो छोड़ दिए, वो उन्होंने क्या गिव अप कर दिया, बट अभी यहाँ पे फाइट यहाँ पे आ चुके हैं, फ्रैंकी यहाँ पे नॉकडाउन हो चुके हैं, मैक्स कश को यहाँ पे क्या ग्रेनेड से मारने की कोशिश यहाँ पे जी गॉड यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, पूरा फिनिश कर चुके हैं वो ओवेस को, बट एक ग्रेनेड और गया था जी गॉड के लेफ्ट साइड में फटता, बट यहाँ पे फ्रैंकी को पूरा फिनिश करेंगे। मैक्स कश के सामने एक बहुत मुसीबत यहाँ पे सामने खड़ी हुई है, जी गॉड यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, बट यहाँ पे मैक्स कश नॉकडाउन उन्हें जरूर करेंगे, बट पीछे से नियो का कवर आएगा, एनिमीज अहेड एंड उसी के चलते टीम फनेटिक एलिमिनेट होगी सेकंड प्लेस पे, सबसे ऊपर टीएसएम एंटिटी, वो 3 किल आखिरी सर्कल के जो वो उन्होंने अपने नाम करे उसी के चलते।